हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित जंगल सफारी दिखाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, तो देखते रहिए। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो जंगल सफारी एरिया है, हम अभी एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर। इधर अंदर जाने के लिए टिकट 200 रुपये में मिलता है, तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर तो बहुत अच्छा लगा हमें घूम के। देखिए, ये टिकट काउंटर है सामने, इधर 200 रुपये का टिकट मिलता है। सब कुछ ले जा सकते हैं, मोबाइल कैमरा जो कुछ भी है, पानी वानी आपके पास। देखिए, अभी जंगल की तरफ हम लोग बढ़ गए। हर जगह पर एक मिनी बस मिलता है, मिनी बस में बैठ के हम आराम से घूम सकते हैं अंदर। देखिए, राइट साइड जो है ये है बस विश्राम घर है, रेस्ट करने के लिए है। बहुत अच्छा पंखा वंखा लगा हुआ है, चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, एकदम सुंदर है। नॉर्मल जू टाइप का नहीं है ये, एकदम ग्रीन ग्रीन एरिया है, बहुत सुंदर है। देखिए, ये रेस्ट करने के लिए ये वाला एरिया है। अभी हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे यार है, अरे बाप रे, कितना बड़ा टाइगर है, ये व्हाइट टाइगर है। देखो थोड़ा सब लोग मोबाइल में देख लो। देखिए, अभी हम मिनी बस में बैठ के जा रहे जंगल की तरफ। ये नॉर्मल जू नहीं है, पूरा जंगल को मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया है। बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। देखिए, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। पूरा गाड़ी में बैठ के चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए कितना मज़ा आ रहा है। देख पा रहे होंगे, ये पूरा पहाड़ एरिया है, पहाड़ को काट काट के बनाया गया है। बहुत सुंदर अनुभव रहा हम लोगों का। इमरोग वाटिका है, देखिए बीच बीच में लकड़ी में ऐसे बनाया गया है। अभी हम जा रहे, बहुत सारे पक्षी देखेंगे। हेलो मिट्टू, मिट्टू हमें इधर पूरा वेलकम करने के लिए बैठा है। मिट्टू मिट्टू बोलता भी है ये मिट्टू। हेलो प्यारे, देखिए मोर। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी बनाई थी, इसीलिए हिल गया है। काफ़ी धूप था इसीलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया है। देखिए, ऊपर सारे सारस बैठे हैं, काफ़ी ऊपर बैठे थे, इतना छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़े थे। ये सफ़ेद पिजन है, यानी कि कबूतर, बहुत सुंदर है। पानी में देखिए सारस है, ऊपर भी बैठे हैं, चारों ओर पूरा पक्षियों का मेला है। बहुत सुंदर लगा इधर। देखिए कितने सुंदर बैठे हैं सब। सालवी आगे प्लीज मत जाओ। वो कितना बड़ा बड़ा है ना, तो मोर है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए जो मुर्गा है ना, ये पूरा पेड़ों के नीचे नीचे बैठे थे, इतना नहीं दिखाई दे रहा है। बस पैरट और पिकॉक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा जो पेड़ों के नीचे है ना, पूरा मुर्गा मुर्गा जंगली वाले मुर्गा बैठे हुए थे। ये है पिकक सफ़ेद वाला, बहुत प्यारा सा है, चुपचाप बैठा है एक पेड़ के नीचे। ये देखिए ब्लैक पैंथर, बाप रे बाप, इतना भयानक आँख है ना, वाओ।
देखिए दूर से एक चीता बैठा है, दो चीता एक्चुअली है, एक अंदर है एक बाहर बैठा था। बहुत डर लगा ये ब्लैक पैंथर देख के, इसका आँख और मुंह इतना भयानक। ये देखिए ये जंगली बिल्ली, लेकिन टाइगर जैसा ही है पूरा लंबाई में ऐसे ही देखने के लिए। और एक पता नहीं ये क्या है, चूहा टाइप का है लेकिन रैबिट से भी बड़ा था। वैसे वो दिख रहा है, एमो है, एमो, इसको एमो बोलते हैं। ये देखिए कछुए, ड्राई में रहते हैं ये, पानी में कछुए नहीं रहते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम मुझे देखने मिला है ऐसा कछुआ जो ड्राई में रहते हैं। ऑस्ट्रिच, ये सारे ऑस्ट्रिच है। और जिराफ, जिराफ इतने नज़दीक से मैं कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखने मिला इतने नज़दीक से। बहुत सारे ऑस्ट्रिच है इसके अंदर, ऑस्ट्रिच है, ये है पॉकेट मंकी, पॉकेट मंकी बाद में आएंगे। ये पैरट कितना सुंदर है, इसका बिना मतलब पूछ टाइप का जो पंख रहता है वो नहीं था, ऊपर और एक बैठा है। अभी फिर से हम मिनी बस में बैठ के फिर जंगल की तरफ जा रहे। देखिए ये आ गया हिरन वाला, मतलब काफ़ी हिरन थे अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के। हाँ ये सफ़ेद हिरन भी मैं फर्स्ट टाइम देखी, पहले कभी नहीं देखा था, वो ब्राउन वाला हमेशा देखती थी, लेकिन ये सफ़ेद वाला लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने मिला। ये है डंकी, दो डंकी है देखिए उधर है, क्योंकि हम गाइड बस में बैठे थे ना, इसीलिए वीडियो थोड़ा फास्ट फास्ट हो गया है। लेकिन दिख रहा होगा आपको, आपको नज़ारा देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया नज़ारा है, चारों ओर एकदम जंगल जंगल। ये है लोमड़ी, फॉक्स या बिलुआ जो भी है। इतने नज़दीक से मैं किसी जू में मैं कभी पहले नहीं देखा, जो भी देखी हूँ पहले एकदम दूर दूर से। ये देखिए भालू, एक बेचारा इधर बैठा हुआ है और एक उधर दूर में खड़ा है, लेकिन ये छोटे छोटे भालू है, इतना बड़ा नहीं है। ये अभी उठ के जाएगा, उठ रहा है। आजा 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 इधर आजा, छोटा सा भालू है, दो भालू देखने मिला है। अभी चलो बस स्टॉप है, फिर हम बस में बैठ के आ गए पॉकेट मंकी की तरफ। ये पॉकेट मंकी ऐसे दिखने में छोटा नहीं है, बहुत छोटा है पॉकेट मंकी, तो इसको बिल्कुल पॉकेट के अंदर रखने वाला मंकी है। देखिए बहुत टाइप मंकी इधर देखने मिले, बहुत 3-4-5 टाइप का मंकी, तो बहुत प्यारे लगे। इतना छोटा छोटा है, एकदम छोटा छोटा, हाथ से लेके मूँगफली खा लिए और पास आके बैठ गए। बहुत मज़ा आया मंकी देख के, ये नॉर्मल मंकी नहीं है, पॉकेट मंकी है, इतने छोटे छोटे हैं और फेस कितना क्यूट सा था। शानदार अनुभव रहा हम लोग का, आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना सुझाव कमेंट में देना। थैंक यू सो मच मेरे साथ देखने के लिए वीडियो, आगे और भी है, देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ये कितने बड़े बड़े पैरट है, ये पैरट हमारे हाथ से मूँगफली खाया।
स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है, जो भी आएगा उसका मन लगेगा इधर। और एक दिन का नहीं है, दो चार दिन घूमेंगे तब जाके स्टैचू यूनिटी को पूरा कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो मेरे साथ बने रहिए और खूब सारा सपोर्ट करना कि मैं आगे आगे ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। ये देखिए कितने कलर के लिजर्ड है, लिजर्ड तो नहीं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट उसी मतलब वैरायटी के है, तो मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लिजर्ड है, उस टाइप का है। ये देखिए इधर से ऊपर से पानी गिरता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बंद है। और ये एरिया पूरा बैठ के चाय नाश्ता करने वाला एरिया है, आइसक्रीम हम लोग बैठ के आइसक्रीम खाए, आधा घंटा टाइप का रेस्ट करके फिर निकल गए। देखिए कितना सुंदर एरिया है, इधर बैठने के लिए बनाया गया है। इधर हमारे देसी मंकी लंगूर बैठे थे, मैं थोड़ा पास जाके वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो इधर से। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।